हेलो गाइस, मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक हाई स्पीड टोमाहॉक आरसी बोट मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये बोट बहुत ज्यादा फास्ट चलती है गाइस पानी के ऊपर। मेरे पास जितनी भी बोट्स हैं आज तक, ये उन सब में सबसे ज्यादा फास्ट मेरे को लग रही है। बाकी आज इसको पानी के ऊपर एक बार चला के भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर ऑटोमेटिक वाटर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया, परफेक्ट हाई पावर इंजन भी इसके अंदर दिया गया, यानी कि परफेक्ट हाई स्पीड मोटर भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एज 14+ बोल के यहाँ पे दिया गया। इसका नाम मेरे को काफी खतरनाक लगा यार, टोमाहॉक बोलकर एक हेलीकॉप्टर होती है, हेलीकॉप्टर का नाम ही देखो यार इन लोगों ने आरसी बोट को ही दे दिया है। चलो गाइस फटाफट से इसको एक बार ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है। बॉक्स को रखता हूं मैं यहाँ पे, अभी बॉक्स को खोलते हैं गाइस यहाँ से। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे इसकी यूजर गाइड मिलती है, रखते हैं साइड में इसको। ओ माय गॉड, बोट सच में यार काफी ज्यादा बड़े साइज के, मेरे को लगा था गाइस ये थोड़ी सी छोटी होगी, पर्स का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। ओ माय गॉड, मेरे पास जो डब्ल्यू एल टॉयज की बोट है उससे भी ज्यादा बड़े साइज की मेरे को ये लग रही है। सामने की तरफ यहाँ पे कुछ तो दिया गया है, इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उससे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, देखो यार इतना ज्यादा स्टाइलिश रिमोट मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई आरसी बोट के साथ। अरे बापरे, ये देखो गाइस इतनी बड़ी स्टीयरिंग इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे डी पैड भी देखने को मिलता है, ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई रिमोट के अंदर। यहाँ पे देखो और भी तीन एक्स्ट्रा बटन है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है। नीचे की तरफ दो डबल ए बैटरी डालनी पड़ती है रिमोट के अंदर। यहाँ पे बोट को रखने के लिए एक स्टैंड भी दिया गया है, ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी। बैटरी देखो यार इतनी बड़ी देखने को मिलती है, सिंगल बैटरी इसके साथ दी गई है। तो कैपेसिटी भी देख लेते हैं इसकी, 7.4 वोल्ट 500 एमएच की लार्ज साइज बैटरी दी गई है। और इसके अंदर है इसका चार्जर, कुछ टूल्स वगैरह भी दिए गए। बोट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो काफी ज्यादा शानदार इसकी बिल्ड क्वालिटी है, हाई स्पीड शिप बोल के यहाँ पे दिया गया है। इसका नाम यहाँ पे देखने को मिलता है टोमाहॉक। सामने की तरफ एंटी कोलिजन बम्पर है, आप चाहे तो ये बम्पर को यहाँ से निकाल भी सकते हो। अगर सामने से ये बोट किसी से टकरा भी जाती है तो देखो गाइस ये बम्पर जो है इसको प्रोटेक्टेड रखेगा। पीछे की तरफ सिंगल मोटर के साथ आती है, यहाँ पे इसका ब्लेड देखो यार काफी ज्यादा बड़े साइज का है। कूलिंग सिस्टम देखो यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ से ये पानी को खींच के अंदर मोटर की तरफ लेके जाती है। तो एक बार इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर डबल हैच सिस्टम दिया गया है, इसको इस तरीके से शायद खुलना होता है। इसको निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे है गाइस इसकी काफी बड़े साइज की मोटर। इसके ऊपर देखो गोल गोल ये आपको नजर आ रहा है ना, ये इसका कूलिंग सिस्टम है, इसी से ही मोटर जो है ठंडी रहती है इसके अंदर। तो आज टोमाहॉक बोट से फाइट करने के लिए डब्ल्यू एल टॉयज की टाइगर शार्क बोट भी आ चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था ना गाइस, ये जो टोमाहॉक है डब्ल्यू एल टॉयज बोट से भी काफी ज्यादा बड़े साइज के। ये देखो यार काफी ज्यादा शार्प डिजाइन इसके साथ सामने की तरफ देखने को मिल जाता है। बाकी ये बोट मेरे को इससे भी ज्यादा तगड़ी लग रही है। और गाइस एक चीज आपको बता देता हूं, इसका प्राइस इससे बहुत ज्यादा कम है। इसको मैंने 8,000 रुपीज में खरीदा है और इसको 12,000 रुपीज में खरीदा है। आज इसकी भी रेस कराते हैं अपने टोमाहॉक बोट के साथ। ये ड्यूअल प्रोपेलर सबमरीन बोट है, ये जो बोट है ना भाई एकदम खतरनाक वाली है। इसको मैंने सिर्फ 3,000 रुपीज में खरीदा था। सामने इस तरह का डिजाइन इसके अंदर दिया गया है, पीछे की तरफ इसके अंदर ड्यूअल प्रोपेलर देखने को मिलते हैं, ऊपर स्पॉइलर भी दिया गया है। अगर इसको मैं ये टोमाहॉक बोट के साथ कंपेयर करके बताऊं तो देखो ये जो है ना काफी ज्यादा बड़े साइज का है और ये काफी भारी भरकम भी है। इसका प्राइस 25,000 रुपए है। तो मेरे पास आज 1, 2, 3, 4, 5 बोट्स है आज रेस लगाने के लिए। देखते हैं गाइस इन सब में से आज कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। चलो इनको चलाते हैं अभी तालाब में। तो आज मैं आया हूँ एकदम नए लोकेशन पर। ये जो तालाब है ना यार काफी ज्यादा अलग है। देखो यहाँ पे पानी के साथ साथ काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां भी है, इस तरफ भी आप देख सकते हो हर जगह पर आपको पानी के अंदर झाड़ियां ही नजर आएंगी। आज देखते हैं गाइस कौन सी बोट यहाँ पे जीतती है। एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक ठाक तरीके से इसका प्रोपेलर घूम रहा है। तो सबसे पहले अगर ये बोट पानी के ऊपर पलट जाती है तो अपने आप सीधा हो पाएगी या फिर नहीं, ये टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसके अंदर मैंने इसको प्रेस कर दिया है तो बोट अपने आप सीधा हो सकती है, ये फीचर इसके अंदर दिया गया है। तो फटाफट से अभी इसको दड़ाने वाला हूं मैं। देखो गाइस यहां पे आगे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, इसके अंदर मैं इसको जैसे ही लेके गया हूं ये कंप्लीटली रुक चुकी है गाइस, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ये क्या हो गया यार, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता गाइस, इतनी दूर तक मैं तैर भी नहीं पाऊंगा। यहां पे पानी बहुत ज्यादा गहरा है, अब देखो धीरे धीरे से निकलने लगी है। मेरे को लगा था गाइस ये फंस के रह जाएगी और इसके रिमोट के अंदर कुछ तो मेरे को दिक्कत लग रही है। देखो गाइस वापस से रिमोट का और बोट का कनेक्शन कंप्लीट लॉस हो चुका है। यहां पे रिमोट के अंदर एक अजीब तरीके की लाइट भी आने
आने लग रही है और रिमोट के अंदर से एक अजीब तरीके की बीप की आवाज भी आ रही है। तो गाइस लग रहा है कि मेरे को इसके सेटिंग्स कुछ तो गड़बड़ा चुके हैं। एक और बार मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस बार देखो यार ये ठीक ठाक तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स ले लेता हूँ यार, कहीं ये पूरी की पूरी अपनी जो बोट है ना पानी में फंस ना जाए। आप देखो मेरे पास आने लग रही है, अभी भी ये थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलने लग रही है। तो इसके अंदर क्या सेटिंग्स है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यूजर मैनुअल मैंने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे जो डी पैड दिया गया इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती है, वो मैंने कर दिया है। अब एक बार इसको पानी में टेस्ट करके देखता हूँ। पावर इसकी इस बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कनेक्शन भी बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है। तो चलो अब इसको मैं दौड़ा के देखता हूँ गाइस, इस बार ये कितनी स्पीड से चलती है, इस बार क्या ये झाड़ियों में से निकल पाएगी या फिर नहीं। टर्न तो बहुत अच्छे तरीके से ले रही है, एकदम शार्प टर्न ले सकती है ये बोट। आप देखो यहाँ पे झाड़ियां आ चुकी है। इस बार भी मेरे को लगा था कि गाइस ये फंस जाएगी, पर जैसे मैंने इसके अंदर सेटिंग्स चेंज की है इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई मजा आ गया इसको तो चला के। देखो भाई अब मैं चलाने वाला हूँ सर्फिंग बोट को। शुरुआत से ही ये थोड़ा सा स्लो चलने लग रहा है, वरना आपको पता होगा कि सर्फिंग बोट कितना स्पीड चल सकता है। जैसे मैं इसको झाड़ियों में लेके गया हूँ वापस से ये सर्फिंग बोट भी यहाँ पे मेरे को फंस गया था ऐसा लग रहा था, पर ये सर्फिंग बोट इतना ज्यादा ताकतवर है कि गाइस देखो झाड़ियों को तोड़ के ये काफी आराम से मेरे पास तक आ चुका है। जैसे ही मैंने इसको उठा के देखा है इसके प्रोपेलर के नीचे देखो पूरी की पूरी झाड़ियां लिपटी हुई थी, इस वजह से इसकी जो स्पीड है काफी ज्यादा कम हो गई थी। बाकी मेरे को टोमाहॉक बोट सर्फिंग बोट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल लगी और बहुत ज्यादा फास्ट लगी। जैसे कि देख सकते हो काफी आराम से ये चल रही है पानी के ऊपर और झाड़ियों में भी। अब चलाते हैं मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट WL टॉयज टाइगर शार्क बोट को। ये बोट सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। अब इसको झाड़ियों में मैं लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे ये भी आकर थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, पर ये बोट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखो झाड़ियों को तोड़ के ही ये निकल के मेरे पास आ चुकी है। अब चलाते हैं डुअल प्रोपेलर सबमरीन जेट बोट को, देखते गाइस ये झाड़ियों के अंदर किस तरीके से चलेगी। ओ माय गॉड इसकी परफॉर्मेंस देखो यार कितनी ज्यादा तगड़ी है। भाई इतनी देर तक मैं इसको झाड़ियों में चला रहा हूं ये फिर भी जरा सी भी झाड़ियों में नहीं अटक रही है। रीजन देखो गाइस इसके जो प्रोपेलर है अंदर की तरफ दिए गए, इस वजह से ये कहीं पे भी चला लो बहुत आराम से चलती है। अब मैं चलाने वाला हूं सबसे ज्यादा सस्ती पोसाइडन बोट को। इसके अंदर तो डुअल प्रोपेलर लगे थे, मेरे को लगा था कि मैं इसको जैसे ही झाड़ियों में चलाऊंगा तो ये फंस जाएगी, क्योंकि सिंगल प्रोपेलर वाली बोट से यहां पे फंस रही थी। तो ये देखो यार काफी ज्यादा क्रेजी चीज कर रही है ये बोट। इसको मैंने काफी देर तक झाड़ियों में भी चला के देखा है, ये एक बार भी झाड़ियों में नहीं फंसी है यार। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, देखो इसके अंदर ना तो झाड़ियां फंसी है, पर इसके अंदर एक दिक्कत है, अगर ये बोट पानी के ऊपर पलट जाती है तो देखो गाइस इसको आप बिल्कुल भी सीधा नहीं कर सकते हो, आपको ये बोट को भूल जाना पड़ेगा, आपका काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो इसके अंदर ना तो कोई सिस्टम दिया गया है ना तो आप इसको सीधा कर सकते हो, तो यही चीज होती है यार सस्ती वाली बोट्स और महंगी वाली बोट्स के अंदर। बाकी ये डुअल जेट प्रोपेलर बोट के अंदर भी देखो सीधा होने का सिस्टम दिया गया है, मैंने एक बटन प्रेस कर दिया है ये अपने आप ही पलट के सीधी हो चुकी है। और सर्फिंग बोट के अंदर भी देखो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी दी गई है, अगर इसको मैं जबरदस्ती भी पानी के ऊपर पलटने की कोशिश करता हूं तो ये अपने आप ही सीधी भी हो जाती है। साथ में टाइगर शार्क बोट के अंदर भी सेम सिस्टम देखने को मिलता है, पर इसके अंदर एक्स्ट्रा बटन नहीं दिया जाता है, आपको ट्रिगर प्रेस करके इसकी स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करना पड़ता है तब जाकर ये अपने आप ही सीधा हो जाती है। अब मैं रेस की शुरुआत करने वाला हूँ टोमाहॉक बोट वर्सेस डुअल जेट प्रोपेलर बोट के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। क्लियरली यहाँ पे टोमाहॉक बोट एक राउंड लगा के वापस भी आ चुकी है, देखो गाइस ये दूसरा राउंड लगाने के लिए भी जा चुकी है। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो ये टोमाहॉक बोट बहुत ज्यादा फास्ट है। अब रेस होने वाली है दोनों बोट के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा तेज। यहाँ पे डुअल प्रोपेलर बोट आगे निकल गई थी, पर टोमाहॉक बोट ने इसको टक्कर मार दिया पूरी तरीके से। टोमाहॉक बोट देखो यार काफी बड़ा टर्न लेके वापस भी आ चुकी है और क्लियरली यहाँ पे टोमाहॉक बोट थोड़ा डिस्टेंस से जीत चुकी है। अब इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं, इनको पानी के साथ साथ झाड़ियों में भी चला के देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। टोमाहॉक बोट तो यहाँ पे फंस गई है, सर्फिंग बोट काफी आराम से निकल गई है और टोमाहॉक बोट देखो एकदम क्विक टर्न लेके यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब सर्फिंग बोट की जो स्पीड है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है झाड़ियां फंसने के कारण। देखो इसके अंदर भी झाड़ियां फंसी थी, पर इसकी स्पीड झाड़ियां फंसने के बाद भी बहुत ज्यादा फास्ट थी, पर सर्फिंग बोट की स्पीड अचानक से कम हो जाती है। अब होगी रेस ये दोनों फास्टेस्ट बोट के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे WL टॉयज टाइगर शार्क बोट आगे निकल गई थी, पर जैसे ही मैंने इसको टर्न कराना शुरू किया है देखो गाइस ये पानी के अंदर बोट अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, ये अपने आप ही चल रही है गाइस, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो ये धीरे धीरे मेरे पास आ रही है, ये पानी के अंदर कुछ तो अलग चीज है यार जो कि बोट इस तरीके से बिहेव कर रही है। अब देखो इसको मैं वापस यहाँ तक लेके आ चुका हूँ, अब रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। क्लियरली आप देख सकते हो टोमाहॉक बोट आगे निकल गई थी, पर गाइस मेरे को लग रहा है कि दोनों की
स्पीड उतनी है और दोनों के बीच में यहाँ पे क्लियरली टाई हो चुका है। एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं यार, पता नहीं ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही थी। अब देखो ठीक ठाक तरीके से काम कर रही थी, इसका भी जो कनेक्शन है ना कम्प्लीटली लॉस हो चुका था। ठीक है, स्पीड में तो दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब दोनों के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं इस बार कौन जीतता है, कौन सी बोट है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों बोट्स के अंदर उतनी ही पावर मेरे को लग रही है। कभी टोमहॉक इसको खींच रही है, कभी देखो WL टॉयज टाइगर शार्क बोट टोमहॉक को खींच रही थी पानी के अंदर, कभी अचानक से इसको खींचना चालू कर चुकी है। यहाँ पे टाइगर शार्क बोट अचानक से बंद पड़ चुकी है ओवरहीट होने के कारण। क्लियरली यहाँ पे टोमहॉक बोट जीत चुकी है। अब कराते हैं सिंगल प्रोपेलर टोमहॉक वर्सेस डबल प्रोपेलर पोसाइडन बोट के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि टोमहॉक बोट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो यार डुअल प्रोपेलर बोट को पानी के अंदर डुबा दिया है पूरी तरीके से। अब देखते हैं डुअल जेट प्रोपेलर बोट क्या टोमहॉक बोट के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। टोमहॉक बोट इसको भी घसीट के लेके जा रही है, ऑलमोस्ट इसने डुअल जेट प्रोपेलर सबमरीन बोट को पानी के अंदर डुबा दिया है और क्लियरली टोमहॉक बोट यहाँ पे जीत चुकी है। ओ माई गॉड, सच में यार ये काफी ज्यादा पावरफुल निकली। अब होगी यहाँ पे फाइनल बैटल, जो जीता यहाँ पे वही होगा सिकंदर। देखो इस दोनों को पानी के अंदर मैंने डाल दिया है, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे सर्फिंग बोट बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ में इसका वेट भी ज्यादा होने के कारण क्लियरली देख सकते हो ये जीत चुका है और टोमहॉक बोट हार चुकी है टग ऑफ वॉर में। तो माय डियर दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतनी ढेर सारी बोट्स में से कौन सी बोट सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है वंश, अक्षित, रमीज, विवेक, साहिल, अशर, ईशान, अर्षद, हर्षित, आदर्श। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।